हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पायथन। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज ऑफ अ पायथन, बट ऑल्सो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यूअर रूम। क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉस किन एरियाज में आज पायथन काम कर रहा है, मतलब जो इतना वाइड पायथन का यूज है वो किन एरियाज में है। तो आज के एजेंडा के पहले जो रूल नंबर वन है, जो आपको भी पता है कि आपको रूल नंबर वन क्या फॉलो करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, शेयर करिए वीडियोज अपने फ्रेंड्स को ताकि वीडियोज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ठीक है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस वीडियो। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लाइक करने में और शेयर करने में, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद, है ना, लाइक हो गया, आई थिंक शेयर हो गया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है वेयर वी आर गोइंग टू यूज पायथन, वेयर वी यूज पायथन, है ना। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था पायथन महाभारत है, है ना, एक कोट दिया था मैंने, पायथन महाभारत है। तो यहां कोई युद्ध नहीं लड़ना है मैं महाभारत का। क्यों ये बोल रहा हूं मैं कि पायथन महाभारत है, आप उसका रीजन समझना, किन एरियाज में आज पायथन का यूज है, व्हाई दिस लैंग्वेज इज सो मच पॉपुलर इन द मार्केट, ये आज हमारा मेन एजेंडा होगा। और फिर उसके बाद हम पायथन के अलग अलग वर्जन्स की बात करेंगे, ठीक है, पायथन 2.0 3.0 में क्या डिफरेंस है, पायथन के फीचर्स क्या हैं, ओके, बट वेयर वी यूज पायथन मीन्स व्हाट, क्वेश्चन आता है सर ये कैसा सवाल है। आप अगर बोल रहे हो पायथन है लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली बात है, इट इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पायथन का यूज है। लेकिन आप समझना बच्चे, आज अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी बात हम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मल्टीपल एरियाज में है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपने प्रीवियसली कभी सुना है, फॉर एग्जांपल सी, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, फॉर एग्जांपल विजुअल बेसिक, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो मेरे हिसाब से रामायण है, क्योंकि वो एक ही हीरो है वहां पे, है ना। मतलब अगर हम रामायण की बात करें तो प्रभु श्री राम इज द मेन हीरो ऑफ रामायण, लेकिन महाभारत में मल्टीपल हीरोज हैं, श्री कृष्ण है, श्री अर्जुन है। तो जो कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करना कि यदि आप विजुअल बेसिक या सी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपके दिमाग में मोटो क्लियर है कि अगर आप सी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं मतलब आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यदि आप विजुअल बेसिक पढ़ रहे हैं मतलब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। लेकिन आज मार्केट में जो मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर हैं उनमें पायथन कहां कहां फिट होती है, किन किन एरियाज में हम पायथन को यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। बट बिफोर दैट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहला एरिया देखो आप कि पायथन किन एरियाज में काम कर रहा है, हम एक एक करके बात करते हैं बिकॉज देर आर वाइड एरियाज वेयर पायथन कैन बी यूज, राइट। सबसे मेजर एक एक करके हम एरियाज की बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, द फर्स्ट एरिया वेयर द पायथन कैन बी यूज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। इसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को हम विंडोज एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, समझना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बॉस यदि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, है ना, जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो सबकी नहीं है, किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक पर्सन किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अपने लिए डेवलप करना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा अपना एक होटल है और अगर मैं अपने होटल के बिलिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं, सो दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्राउड, ये एक सिंगल यूजर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एंड इसके पहले अगर हम बात करें तो यही डेस्कटॉप एप्लीकेशन विजुअल बेसिक में डेवलप होते थे, लेकिन विजुअल बेसिक स्पेसिफिक लैंग्वेज थी केवल इसी तरीके की एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। बट नाउ डेज आई कैन से दैट पायथन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू डेवलप एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि अगर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो आई कैन यूज पायथन फॉर दैट, ठीक है। सेकेंड एरिया वेयर वी कैन यूज पायथन, अच्छा मैं अभी आपको एक एक करके ये भी बताऊंगा कि अगर आपको पायथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है देन वॉट यू नीड टू लर्न दिस फॉर दिस, आपको इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, है ना, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं तो। लेकिन एक एक करके पहले हम एरियाज को डिस्कस करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पायथन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, मतलब आप समझिए, मतलब ये किसी एक लैंग्वेज के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एरिया में काम कर सके, बट पायथन के लिए है। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि जिस टेक्नोलॉजी को आज आप सीख रहे हैं, यह टेक्नोलॉजी आपको मल्टीपल एरियाज में करियर बनाने के ऑप्शन देगा,
मतलब देर आर वाइड एरिया जहां पर आप पाइथन को यूज करके करियर डेवलप कर सकते हैं. लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक एरिया, वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन मीन्स वॉट? यदि आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब जिनको यूज करके मैं ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकता हूं जो इंटरनेट बेस्ड हो, लाइक डायनेमिक वेबसाइट अगर मुझे बनानी है, ठीक है. तो यदि आप चाहते हैं कि यू वॉन्ट टू यूज पाइथन फॉर अ वेब डेवलपमेंट, सो अगेन पाइथन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. इसमें हमें डी जेंगो सीखना होता है कि अगर आप पाइथन कोर पाइथन सीखने के बाद अगर आप डी जेंगो को सीख लेते हैं देन यू कैन इजीली डेवलप एनी वेबसाइट यूजिंग पाइथन. तो पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जितना डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए पाइथन यूज में आ रहा है, ठीक है. थर्ड इज नेटवर्क एप्लीकेशन, ठीक है. यदि आप कोई नेटवर्क एप्लीकेशन बना रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, इफ यू वॉन्ट टू गो इन दिस नेटवर्किंग साइड, जैसे सब आपको लग रहा है साइबर सिक्योरिटीज में आपको जाना है, आपको नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करना है, देन अगेन पाइथन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क एप्लीकेशन. तो आप चीजों को समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि बॉस एक लैंग्वेज आपके लिए कितने दरवाजे खोल रही है. मतलब देर आर मल्टीपल एरियाज जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज गेमिंग फॉर गेम. यदि आप गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं देन पाइथन इज ऑल्सो यूज फॉर गेमिंग एप्लीकेशन. मैं अभी आपको उन एरियाज के नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको गेमिंग सीखना है तो आपको पाइथन में क्या सीखना पड़ेगा. उसके पहले आप समझे तो सही कि पाइथन एग्जैक्टली किन किन एरिया में काम कर रहा है. देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट कि अगर मुझे गेमिंग एप्लीकेशन में जाना है तो मुझे पाइथन में क्या सीखना है, अगर मुझे नेटवर्क एप्लीकेशन में जाना है तो मुझे पाइथन में क्या सीखना है, ठीक. बट एक बार पहले हम एरियाज कवर करते हैं. गेमिंग एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेटा साइंस. यदि आपको लगता है यू वॉन्ट टू बिकम अ डेटा साइंस डेवलपर, यदि आपको लगता है, आपको पता है आज मार्केट एआई मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहा है ना, देर इज ह्यूज मार्केट ऑफ डेटा एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन, तो पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को इतना रिच किया हुआ है कि फॉर एआई एप्लीकेशन, फॉर मशीन लर्निंग, फॉर डेटा साइंस देर आर रेडीमेड मेथड्स आर अवेलेबल. मतलब जिन चीजों को अगर हम जावा में कोड लिखने जाएंगे तो यू नीड 1000 लाइन ऑफ कोड, वेर इन पाइथन जस्ट 4 to 5 लाइन कोड में हम उन एरियाज को कवर कर सकते हैं जो डेटा साइंस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है. ये एडवांटेज है पाइथन का क्योंकि इसने अपनी लाइब्रेरी को डेटा साइंस के लिए, एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, दिस इज व्हाट एआई एमएल डेटा एनालिटिक्स इतना रिच किया हुआ है कि बॉस अगर आज कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट डेटा साइंस की बात करता है तो उसकी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी जो उसको सीखने की बात होती है वो है पाइथन. क्योंकि पाइथन ने अपनी लाइब्रेरी को इतना रिच किया हुआ है कि जिनको यूज करके आप बड़ी आसानी से डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं. एआई मशीन लर्निंग एरियाज है, एआई प्रोग्रामिंग है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, ये एरियाज है जहां पाइथन अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर चुका है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पाइथन इसमें वर्किंग कर रहा है, दिस आर द एरिया वेयर पाइथन कैन स्टेबल. ये स्टेबल टेक्नोलॉजीज है जहां पर पाइथन इन एरियाज में काम कर रहा है और ये आसान नहीं है किसी भी एक लैंग्वेज के लिए. तो ये रीजन क्या है क्यों पाइथन इतने मल्टीपल एरियाज में काम कर रहा है? बिकॉज पाइथन की लाइब्रेरी इतनी रिच है, उसने अपने लाइब्रेरी को इतना रिच बनाया है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को पाइथन को यूज करके डेवलप कर सकते हैं. अदरवाइज इसके पहले जो टेक्नोलॉजीज थी वो केवल स्पेसिफिक एरिया में काम करती थी. आज यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट एंड यू कैन नॉट, अगर आपने सुना भी नहीं होगा कि एक वेबसाइट सी में बनी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सी इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. बट देर इज मल्टीपल एरियाज वेयर पाइथन कैन यूज. हम नेटवर्क एप्लीकेशन, हम वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, एआई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कौन सा एरिया है जो पाइथन में हम कवर नहीं कर सकते? केवल एक एरिया जहां पाइथन ने अपने आप को स्टेबल नहीं किया है, पर यह उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसकी वीकनेस नहीं है, ठीक है. मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस इज अ डिसएडवांटेज. ये पाइथन ने अपने आप को उस एरिया में कभी स्टेबल करने की सोची ही नहीं, और वो है मोबाइल एप्लीकेशन. मतलब यू आर नॉट यूज पाइथन फॉर अ मोबाइल डेवलपमेंट बिकॉज पाइथन कैन नॉट बी अ यूजफुल लैंग्वेज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन. उसके लिए आज भी जावा, एंड्रॉइड बेस, या अगर आप iOS में जाना चाह रहे हैं देन स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल. तो पाइथन ने अपने आप को मोबाइल पे इसलिए नहीं लाया क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल एरियाज कवर कर रहा है. उसको कभी नीड ही नहीं समझ में आई कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी काम करना है. जिस दिन फ्यूचर में पाइथन को लगेगा कि बॉस पाइथन इज ऑल्सो लैंग्वेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, हो सकता है हमें उस दिन पाइथन मोबाइल में भी उतनी ही सक्सेस मिले जितनी कि इन एरियाज में सक्सेस मिल रही है.
सो दिस इज वेयर द एरिया वी कैन यूज पाइथन, कि हम किन किन एरियाज में. अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, सर अगर मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखना चाह रहा हूँ पाइथन में, या अगर मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो बच्चे अगर आपको इनमें से किसी भी एरिया में जाना है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि पाइथन का जो सिलेबस है वो तीन स्टेप में डिवाइडेड है. हम बोलते हैं कोर पाइथन, हम बोलते हैं एडवांस पाइथन, और हम बोलते हैं कॉरपोरेट पाइथन. देर आर थ्री एरियाज वेयर वी एक्चुअली टॉक अबाउट द पाइथन सिलेबस. कोर पाइथन मीन्स वॉट, अगर आपको इनमें से किसी भी एरिया में जाना है, देन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट आर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द पाइथन. पाइथन ने क्या दिया है आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन ने किन एरिया, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बस वेब एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे सो देर इज एन एक्सेप्शन ऑकर. अब आपको यही नहीं पता एक्सेप्शन क्या होता है. ठीक है, हम बोलते हैं बस वेब एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में काम करता है, तो यू पीपल एटलीस्ट नो दैट वॉट इज मल्टी थ्रेडिंग. तो कोर पाइथन की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली हम बात करते हैं कि बॉस वॉट आर द कॉन्सेप्ट गिवन बाय पाइथन फॉर अ प्रोग्रामिंग. तो जहां पर हम बात करेंगे पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में, लूप्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, मतलब क्या क्या लाइब्रेरीज के बारे में, कि पाइथन ने कौन सी लाइब्रेरी दी है, किन लाइब्रेरीज में कौन कौन सी मैथड्स हैं, तो ये सारे एरिया कवर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, फर्स्ट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर पाइथन. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी कि यू शुड नो अबाउट द कोर पाइथन कॉन्सेप्ट. आप डायरेक्टली आप सोचेंगे कि आप पाइथन में वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, या आपने सोचा कि आज मोबाइल एप्लीकेशन सॉरी गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्ड द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन. तो कोर पाइथन जब हम सीखते हैं तो एग्जैक्टली हम ये सीखते हैं कि वट आर द कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, एंड देन आफ्टर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. कि अगर आप AI मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट टू पीपल अवेयर दैट कि हाउ दिस एल्गोरिथम्स ऑफ वर्क, एंड दैट पार्ट यू कैन कवर इन कोर पाइथन. तो हम जो अभी कोर्स स्टार्ट करेंगे वो कोर्स हमारा सबसे पहले कोर पाइथन को कवर करेगा. सबसे पहले हम पाइथन के कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप हम पाइथन के इन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे. वी यूज पाइथन फॉर गेमिंग, वी यूज पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, वी आर गोइंग टू लॉन्च पाइथन फॉर डेटा साइंस एप्लीकेशन. क्योंकि एक ही सीरीज में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है. आप ये समझना, अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये सारे एरिया आने चाहिए. ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर अगर मैं पाइथन डेवलपर बन रहा हूं मतलब मुझे डेटा साइंस भी आना चाहिए, मुझे गेमिंग. अरे नहीं बॉस, पॉसिबल नहीं है आपके लिए. हाँ, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसा आप सीख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो आपने सीखा पाइथन फॉर वेब एप्लीकेशन, तो आपने किस चीज पे कवर किया, आपने डी जेंगो को यूज किया, आपने डी जेंगो को यूज करके गेमिंग एप्लीकेशन सॉरी वेब डेवलपमेंट सीख लिया. ठीक, अच्छा एक और एरिया जो मैं भूल गया, पाइथन इज ऑल्सो यूज फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि पाइथन को हम डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. डेटाबेस एप्लीकेशन मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, और इसके लिए हम पाइथन में एक टॉपिक पढ़ते हैं PDBC, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, PDBC, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, हाउ टू कनेक्ट पाइथन विद द डेटाबेस. SQLite से अगर मुझे पाइथन को कनेक्ट करना है, या अगर मान लो मुझे पाइथन को ओरेकल कनेक्टिविटी करना है, ये सब डेटाबेसेस के नाम है, वी विल डिस्कस लेटर आउट. अगर आपने नहीं सुने तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन मेरा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि बॉस इन किसी भी एरिया को सोचने के पहले, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी सब को छोड़ के सबसे पहला फोकस हमें किस चीज़ पे करना है, कोर पाइथन पे. और यही हमारा सबसे मेजर कॉन्सेप्ट. मैं आपको बता रहा हूँ देर आर लॉट्स ऑफ कंपनी वो रिक्रूट द पर्सन इफ दे आर गुड इन कोर पाइथन, क्योंकि उनको पता है अगर इसका कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम तो उसको किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. फिर वो आपको एक ट्रेनिंग देके डेटा साइंस के लिए रेडी कर देंगे. लेकिन डेटा फ्लेयर पे आपको कोर के बाद ये सारे ऑप्शन भी मिलेंगे. वी आर हैविंग अ कोर्स पाइथन विद डेटा साइंस, पाइथन विद गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक, लेकिन पहले कोर पाइथन की बात करेंगे. तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मींस कि वेयर वी यूज. अब आप मुझे बताओ, जो मैंने एक डेफिनेशन बोली थी कि बस इनमें से किस एरिया में मैं बोलूं कि पाइथन सक्सेस नहीं है, तभी तो हमने बोला था महाभारत है, सारे हीरो हैं, श्री कृष्ण भी हीरो है, अर्जुन भी हीरो है, मतलब महाभारत किसी एक पर्सन पे नहीं चली है, लेकिन रामायण प्रभु श्री राम के ही आसपास चली है. लेकिन क्यों हम बोल रहे हैं, बात समझ में, जस्ट आई एम नॉट सेइंग, जस्ट आई एम ट्राइंग टू
एक्सप्लेन यू दैट कि बॉस व्हाट दिस एरियाज आर, कि हर एरिया में पाइथन सक्सेस है एक्सेप्ट मोबाइल, एंड डोंट टेक इट डिसएडवांटेज ऑफ दैट. मतलब वो डिसएडवांटेज बिल्कुल नहीं है, हम केवल एक एरिया को स्किप कर रहे हैं जहां पाइथन यूज नहीं हो रही है, क्योंकि पाइथन के डेवलपर ने उस एरिया पे कभी फोकस नहीं किया. समझ में आई बात? तो आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आई होप यू गाइज कैन एंजॉय दिस लेक्चर. और अगर आपको समझ में आया है तो बॉस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे. फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आप ताकि वो भी बेनिफिटेड ले लें. कॉम्पिटिशन होगा तो मजा आएगा, फिर आपका कॉम्पिटिशन आपके फ्रेंड के साथ ही तो है. ठीक है, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.